परम सन्मान्यो गुरुरु गुरु खालसा साह संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साह संगत जी, जदों गोविंदवाल साहब की धरती ते एक खास जगह ते भूत प्रेतां दा वासा सी, उस वक्त उसका मालिक गौंदा धन श्री गुरु अंगद देव जी दे पास अपनी बेनती लैके पुजा अते अर्ज कीती कि महाराज जी, मेरी धरती ते भूतां प्रेतां दा वासा है, किरपा करके उहनां नूं भजाओ। तां सतगुरु अंगद देव जी ने भाई गौंदे की बेनती सुन के श्री गुरु अमरदास जी नूं एक सोटी दित्ती अते कहा कि गोविंदवाल जा के यह सोटी उत्थे फेर देना, इस दे फेरन नाल सारे भूत प्रेत उत्थों भज जाणगे। गुरु अमरदास जी ने इस तरह ही किया अते सारे भूत प्रेत उत्थों भजाए। इस दौरान उत्थे एक चुड़ेल भी रहिंदी सी जिसने गर्भ धारण किया होया सी। भजदे भजदे उसके गर्भ विचों उसके दोनों बच्चे जमीन ते डिग पए, जिस कारण एक दी अख काणी हो गई ते ओह वड्डा होके काणा दैंत बन गया ते बठिंडे वल जा के वस गया। सो साह संगत जी, ये ओही दैंत है जिसकी साखी अज दास सानू सुनाउण लग्या है। जदों धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज बठिंडे की धरती नूं भाग लाउण वास्ते पुजे ते उत्थे महान किले विच जा के ठहरे, सतगुरु जी ने फिर उत्थे डेरा किया ते सारे उहनां दे चार चुफेरे आ उतरे। रात पैण ते खाण पीण किया ते किरपा निधान फिर सुख नाल सौ गए। सिंह खड़े होके पहरा दे रहे सन, अपनी वारी आउण ते सारे जागदे सन। अद्धी रात होण ते एक कन्या आई ते उसने सिर निवा के परिक्रमा कीतियां, बहुत प्रकार की बेनती कीती, तुसी मेरी विथ्या पछाण के आए हो, मालवे की जिनी भी धरती है मैं उसका सरूप धार के आई हाँ, संजोग नाल आप जी का आना होया है, हुण सारे देश नूं भी सोहना बना दिओ। एक तां काणा दैंत बहुत भयानक है, वह महान दुष्ट किले विच रहिंदा है, वह अनाज की पैदाइश वधन नहीं दिंदा, लोकां पासों खोह के खा लैंदा है। इस नूं जद किले विचों कढ दिओगे तां फिर दिन प्रति सारा देश वसेगा, फिर बहुत अनाज पैदा होवेगा, तुहाडे आउण दा प्रताप पछाणदे हां। उस कन्या पासों सब कुछ सुन के उसनों बड़े मिठे बचन कह के धीरज दिता, सौ के सुख नाल रात बतीत कीती ते सवेरे सवक्ते उठ के शौच इशनान किया। सतगुरु जी फिर दीवान विच जाके बैठ गए। एक महान पंडित गुरु जी दे नाल सी, ओ भी गुरु जी दे पास आके बैठ गया। सतगुरु जी ने यह प्रसंग प्रकाश किया, यह बहुत वड्डा किला बनाया है, इस विच एक बहुत वड्डा दैंत रहिंदा है जिसका आशा इस देश नूं उजाड़न दा है। हे पंडित जी, कहो उस दैंत नूं इत्थों किवें कढ़ीए। यह सुन के पंडित ने इस प्रकार कहा, तुसी महापुरख हो, सब कुछ जानते हो, तुसी मैनूं पुछया है, इस करके मैं तुहाडे पास रहिंदा हाँ। ये महान पनाह वास्ते किला बनाया है। बिनेपाल एक वड्डा राजा सी, उसने बहुत धन दे के यह किला तैयार करवाया है। जद राजा आकी हो गया तो इस किले विच प्रवेश कर गया, उसने किले नूं उपर तों ढा दिता, जिहड़ा किला बहुत वड्डा सी उसनूं छोटा कर दिता। इस थां हाथी की बली दे के इस दे विच दाखल हो जाए, दैत आदि जिहड़े होर भूत प्रेत हन वह सारे चले जाणगे, कदी भी नहीं रहणगे, सारे निकल जाणगे, कोई भी नहीं रहेगा। तुसी बली हो, बिना बली दित्ते भी जा सकते हो, तुसी हर प्रकार समर्थ हो, जिमें चाहो बना सकते हो, फिर भी प्रसन्न हो के सारे चले जाणगे। तद भी जे बली दोगे तो सारे खुशी नाल चले जाणगे अते बली लै के वह शुभ बोलते जाणगे। सतगुरु जी ने कहा, हुण हाथी कित्थों मिलना है, वह कुछ उपा करन दे नाल भी प्राप्त नहीं होएगा, जे हाथ नहीं आवेगा तो कित्थों मंगवावांगे, बली दे के इस थां वसन वाले भूतां नूं खुश करिए। यह सुन के पंडित ने कहा, जे हाथी नहीं मिलता तो संडा मंगवा लो जिसका रंग हाथी वर्गा होवे। तद गुरु जी ने सिखां नूं कहा, बंगेहर पिंड इत्थों नेड़े ही है, तुसी चल के जाओ तो एक संडा लैके आओ तो संडे दे मालक नूं सारी गल सुनाओ। उस समय पंज सिंह गए,
एक थां उन्होंने बहुत किसान खड़े वेखे। सारे के पास जाके उन्होंने कहा, सतगुरु जी ने तुहाडे पासों संडा मंगवाया है, बली दे के ओह दैंत नूं कढ़णगे, फिर सारे का भला होवेगा, ये भेद समझ लो। एक संडा वड्डा महाबली अते मारन खंडा सी, जट्टां नूं बहुत वड्डा दुख दिंदा सी। बेरी दे दरख्त पास खड़ा होके बेरी नाल खह गया सी, जिस नूं वेखण नाल ही वड्डा डर प्रगट हुंदा सी। फिर मता पका के सारे ने अपने मन विच जाणिया ते सिंगां दे नाल हासा करन लगे, जद ये संडे नूं छेड़नगे तां ओह बल नाल इन्हां नूं मारेगा, फिर इधर उधर हो के सारे सिंह भजणगे, इत्थे खड़े होके तमाशा वेखदे हां। फिर सिंघां नूं सुना के उच्ची आवाज विच कहा, उधर बेरी दे रुख दे थले वेखो संडा खड़ा है, इस नूं अगे ला के लै जाओ, सतगुरु जी नूं असीं ना नहीं कर सकते हाँ। इस प्रकार कह के हासा करन दी अभिलाषा कीती। ये सुन के पंजे सिंह चले गए जिथे बलवान संडा अगे खड़ा सी। उसनों जाके कहा, गुरु जी ने तेनू बुलाया है, अगे चलो ते मन भौंदी बलि दिओ। गुरु जी का नाम सुन के संडा चल पिया। साध संगत जी गुरु जी की ऐसी कला वरती कि वह बलवान संडा निर्बल संडे वांग चल पिया। हौली हौली अगे चलिया जा रहा सी। उस प्रकार ही पंजे सिंह पिछे पिछे जा रहे सन। किसान यह वेख के बहुत हैरान होए, सतगुरु जी नूं उन्हां ने वड्डा कलावान जाणिया। वह पछताउंदे ही रह गए, हासे वास्ते असी क्यों कहा। संडा उच्चा मूँह चुक के चला गया ते सतगुरु जी दे सामने जाके खड़ा हो गया। सतगुरु जी उठ के किले दे अंदर चले गए। किला बहुत उच्चे स्थान ते खड़ा सी ते बड़ा मजबूत बनया होया सी। हौली हौली सतगुरु जी शिखर ते पहुँच गए। उन्हां दे पिछे पिछे सारे सिंह नाल गए। उन्हां दे नाल संडा भी उपर चला गया। वह सारिआं विच धीरज धार के खड़ा रहा। फिर सतगुरु जी ने मैलागर सिंह वल वेख्या। सतगुरु जी ने फिर उस समय हुक्म किया, झटका करके इस संडे की बली दिओ, फिर इत्थों दैंत नूं कढ़िए। मैलागर सिंह ने सुन के तुरंत अपनी विकराल तलवार खिंच के म्यान विचों बाहर कढ़ी, बड़े जोर नाल इस प्रकार तलवार चलाई ते ऐसी सफाई नाल सिर उतारिया कि संडे नूं पता भी ना लगा। संडे का भारी शरीर बनेरे उपर डिग पिया ते संडे ने सतगुरु जी के सामने प्राण दे दिते। भली प्रकार अपने मरण नूं सुधार लिया ते फिर सारयां दे विच सतगुरु जी ने उच्ची आवाज विच कहा, मरे हुए संडे नूं जिहड़ा थले डिगे एक ही बलवान सुट्टे, दूसरा ना हथ लावे। यह सुन के सारे चुप हो गए। फिर गोदड़िया साध बोलिया, आप जी का हुक्म होए तां मैं इस नूं थले डिगा, मैं इकला ही बल दिखावांगा। गुरु जी का इशारा समझ के उसने चुक लिया ते उच्चे बनेरे ते लिया के थले बहुत दूर डेग दिता। बहुत हैरान होए जब सारिया ने यह कौतक वेख्या। इन्ने विच दैंत भी चल के आ गया ते सतगुरु जी नूं अपने आप नूं उसने विखाया। हाथ जोड़ के उसने बेनती की, पहला मैं गोविंदवाल दे विच रहिंदा सी, साडी जाति दे उत्थे हजारां राक्षस रहिंदे सन, उन्हां ने उत्थे मनुखां दी महा उजाड़ बनाई सी। श्री गुरु अंगद देव जी ने हुक्म दे के श्री गुरु अमरदास जी नूं साडे उपर भेजिया। वह एक छड़ी नाल सानू साड़दे सन। उस समय उत्थों सारे राक्षस अते प्रेत भज गए। उस समय साडी माँ गर्भवती सी, उसने भजदी होई ने एक खेत विच बच्चा जनिया। उत्थे मकई दे खेत विच डिगण करके मकई दा बुथा मेरी अख विच लगा ते उस समय मेरी एक अख फुट गई। फिर मेरा एक होर भरा पैदा होया, वह टुंडा हो गया, उसका एक हथ उत्थे ही टुट गया। तद तो असी एक थां ते रहिंदे हाँ, इत्थे 100 साल तो भी वध बतीत किए हैं, इत्थे भी सानू हुण क्यों नहीं रहण दिंदे, असी हुण किहड़े देश विच चले जाइए। सतगुरु जी ने उसनों फिर हुक्म किया, हुण थानू कदीमी डेरा दिंदे हाँ, फिटकारी हुई सरहिंद की नगरी नूं हुण उजाड़ो ते उस दीआं जड़ां उखाड़ के सतलुज विच सुट दिओ। उत्थे रहण तो तुहानू कोई नहीं हटावेगा, उत्थे तुहाडा सदा लई वासा बणदा है। हुण इत्थों निकलो ते देर ना लावो, ये सारे साडे देश समझिए। इस नूं जिहड़े सारे जंगल नाम नाल पुकारदे हन, यह आनंद सहित संघना मालवा हो जाएगा।
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੈਂਤ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਅਨਾਜ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਅਨਾਜ ਖੋਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ, ਮਸੂਰਪੁਰ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਣੇ ਦੈਂਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੈਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਅਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਕੋਟ ਜੱਖ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁੱਕਰ ਮਿਰਗਾਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੂ ਬਹੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।